हम भी राकेश जी सबसे पहले तो ऑडियंस को बताएं कि फिल्म किस तरह की होने वाली है, सबके लिए क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इस फिल्म का? फिल्म का तो ये है कि फिल्म की अभी तो शुरुआत है, फिल्म के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिल्म में फुल रोमांटिक है, ड्रामा है, टशन है, जो पंजाबी फिल्म में हमेशा टशन और कुछ हटके मिलेगा, कुछ अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। और अभी तो शुरुआत है, गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, ढोलिया ढोल बजा, आज मुहूर्त है उसका। तो बाकी फिल्म के बारे में जैसे जैसे फिल्म प्रोसेस में चलती जाएगी, फिल्म के बारे में हम कुछ ना कुछ रिवील करते जाएंगे। पोस्टर में काफ़ी सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो क्या उसी तरह की फिल्म होने वाली है? तो फिल्म से है ही मेला, मेले से शुरू होती है, बैर मेले का है, तो नेचुरली मेले से शुरू होती है और मेले से बैर हो जाते हैं, तो बैर जो मेले से जो टशन है वो हम लोगों ने फिल्म में दिखाया। हाँ जी, शुरुआत देखिए, आजकल क्या चल रहा, पब्लिक को क्या चाहिए आजकल? पब्लिक वो स्टोरी जो कहानी बनाते थे, कहानी है, कहानी को रिवील करना, ये अभी पब्लिक को वैसा नहीं चाहिए। पब्लिक के साथ जो आजकल हो रहा है, क्या कैसे होता है, आज आम आदमी पब्लिक के बीच में जाता है तो कभी कहीं ना कहीं कुछ टकरा भी जाता है, टशन ले लेता है, तो उस तरह का है ये कुछ। पूरा ज़्यादा तो मैं फिल्म के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिले। हाँ जी, हाँ जी, रियल में ही होगी, क्योंकि आजकल जो भी है आप पब्लिक, अभी बनावटी जो होते थे, सेट लगाओ, ये करो, वो करो, उन चीज़ों से दूर हो गई है चीज़ को, सब पब्लिक को सब नेचुरल चाहिए। हाँ जी, वो तो आप फिल्म देखने के बाद ही बता सके, जब आप फिल्म देखेंगे हमारी, कि हमारी मेला में क्या है, बैर मेले था, ये फिल्म मेला नहीं है, बैर मेले था, फिल्म का नाम है बैर मेले था, तो आप फिल्म देखेंगे तो ही आप जान पाओगे। इसके लिए देखिए, इसमें मेला कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, और फिल्म जो है वो पूरी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यहाँ पे ही शूट। कब से शुरू हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ, इशारे के आसपास। कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कास्टिंग अपने के बिना पे के लिए, किरदारों की मैं बात करूँ, जब कहते हैं रियल स्पेस में, तो एक्टर भी उस कैलिबर के होने चाहिए ना? होंगे, जैसे अनाउंसमेंट होगी आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं, और रियली होंगे और अच्छे होंगे और अच्छी स्टार कास्ट होगी और हटके होगी। पंजाबी सिनेमा की बात करूँ या रीजनल सिनेमा की बात करूँ, एक नया इतिहास रच रहा है रीजनल सिनेमा, चाहे आप फेराड की बात कर लीजिए, चाहे आप कैरी ऑन जट्टा की बात कर लीजिए, जब अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड के लोग उस तरफ रुख कर रहे हैं पंजाब की तरफ, हम एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर माही गिल की आप बात कर लें और धर्मधीर वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये एक नई चढ़ान पे है पंजाबी इंडस्ट्री। नहीं, कमर्शियली अच्छा ही होगा, अच्छी बात है, अगर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज में फिल्म अगर हिट हो रही है, आपकी जो लैंग्वेज है उनका प्रमोशन हो रहा है, अच्छी बात है ये सिनेमा के लिए भी। और हिंदी, ऐसा नहीं है कि हिंदी पीछे जा रही है, हिंदी भी अपनी जगह पे है, रीजनल अपनी जगह पे, तो सारी जितनी भी लैंग्वेज, चाहे मराठी हो चाहे पंजाबी हो, अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जगह बना रही है, ये अच्छी बात है। गाना आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जसविंदर नेरुला के आवाज़ और शाहिद मालिया, उनकी दोनों की आवाज़ है उसमें, गाना बहुत अच्छा है, डोलिया डोल बजा, पूरा मेले का उसमें फ्लेवर है, तो इस तरह से ये गाना आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये रोमांटिक सॉन्ग होगा या फिर? रोमांटिक भी बोल सकते हैं, रोमांटिक बोल सकते हैं, लेकिन एक फुल एंटरटेनमेंट सॉन्ग। वैर वाला दुश्मन, वैर का मतलब दुश्मन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी कम उम्र की राइटर हमने तो देखी है, वीर सिंह, हनी रानी, वीर सिंह, जोया अख्तर, यू आर द आई वुड से यंगेस्ट राइटर बी हैव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाउ दिस फिल्म हैपेंड टू यू एंड हाउ यू थॉट ऑफ राइटिंग?
Honestly, this film just happened to me in a sudden. Sir called me up telling me that I am planning a film. Do you have a story? We said, yes, we have one. And yeah, we started working with Sipir. It was just very sudden, I would say, very sudden. I didn't realize ki aisa nahi tha ki kuch plan ki or something. It just happened to me. Like, I got a call and did it. With all due respect, अमूमन ऐसा होता है कि somebody if a producer is approaching a writer or a music director, उनका पिछला काम होता है. हाँ जी. ये आपके लिए कितना लक इस मामले में आपको अपने आप को कितना लक्की मानती हैं? और please let us know what your talent was और this is a very best. Yeah, I totally get that and that's a very good question, I would say. काम किया है पर इतना ह्यूज लेवल पे जैसे कहते हैं या नहीं. सो इट वाज हिज ट्रस्ट, इट वाज जस्ट द डायरेक्टर्स ट्रस्ट दैट ही हैड. ही हैज सीन माय कैलिबर, ही हैज सीन माय पास्ट वर्क. सो या दैट्स व्हाई ही गेव मी अ चांस टू राइट इट सोलो. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द स्टोरी एंड हाउ यू थॉट अबाउट इट एंड व्हाट इज द इंस्पिरेशन? वेल, अबाउट द स्टोरी, इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रॉ. दैट्स ऑल आई हैव टू से. इट्स वेरी रॉ. It's about the, as he said, the film of the name is Vair Milyada. Vair means dushmani. It's about dushmani. It's about revenge. So yeah, it's going to be something very interesting and very Indian, I would say, very Indian. What is the Punjabi? Punjabi. Hanji. Punjabi chh bolna. The film jadi badi desi hon wali hai. Hanji. And what is the brief from director? Matlab you have written the story, but any changes you have done or? As of now, he has not interrupted my writing, but I'm sure once he goes through it totally, he will definitely make keep making changes. That keeps happening till we are shooting. So yeah. Thank you, guys. Thank you so much. Question करो भाई. हाँ सर कर रहे हैं. तो इसके पहले आपने जानना चाहिए ऐसा क्या फिल्म में आपको लगा और नहीं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनका इनका कॉन्सेप्ट था तो बोले चलो सिर्फ मिल के बना डालते पिक्चर फिर. और क्या सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कंपनी ने बताया कि कॉन्सेप्ट आपका था, क्या कॉन्सेप्ट है? हालांकि हम बात कर चुके हैं अभी राइटर से, लेकिन आपकी जुबान ही जानना चाहूँगा. नहीं, कंसेप्ट एक है कि पंजाब में एक फैशन है कि वहाँ पर जितने भी ठसन वाली कोई फिल्म बनती है ना तो सुपर डुपर हिट हो जाती है. तो मेरे को भी अच्छा लगा कंसर्ट है, दोनों तीन फैमिलियों का आपस में ये झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े के ऊपर ही हम लोग ये फिल्म बनाना चाहते हैं. ओके, दशन से आप कहना ये चाह रहे हैं कि जहाँ दो लोगों में टकरार हो, ठसनबाजी हो. ठसन ऐसा है कि जटों में क्या होता है ना, जटों का एक अपना ख्वाहिश है, जब भी वो चाहते हैं ना कि अगर मेरे पास मैं मेरे से आगे कोई चल ना सके, जो मैं करूँगा बस मैं ही हूँ, बस मैं. उनका एक कहावत है कि पंजाब में कि हम लोग जो है ना गन्ना नहीं देंगे, गुड़ की बेली दे देंगे. तो कभी भी जो है ना एक छोटी मोटी की चीज करो नहीं, बढ़ के चलना बस. अगर तुम शेर है तो मैं सवा शेर. नहीं, कास्टिंग सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कास्टिंग का चालू है अभी. इस बात का कितना ध्यान रख रहे हैं कि बाकी फिल्मों से सेम ना लगे, जैसे आपने कहा कि कशन की जो फिल्में हैं पंजाब में बड़ी पसंद करी जाती हैं और कामयाब भी होती है कमर्शियल. हाँ, कामयाब भी पसंद करती है. तो आप क्या ध्यान रख रहे हैं कि बातों का, कि कोई ये ना कहे कि ये उसकी कॉपी है या उसे? नहीं, इसमें बहुत हमें मालूम है कि इसमें जो किसी कॉपी नहीं लगेगी, पिक्चर किसी कोई कॉपी नहीं है, लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा डिफरेंट है. एक मेले में है कि एक भाई बहन के सामने उसका भाई मार दिया जाता है, बस उसी में उनकी दोनों की ठसन चल जाती है. और आज के यूथ को देखते हुए पूरा कंटेंट बना कि कुछ ऐसा सिमिलर ना लगे. तो नहीं, मुझे ना सानो सरदार भी याद आती है जब हम इस तरह की बात करते हैं खानदानी दुश्मनी की, क्या उसमें कुछ समानताएं होंगी, सिमिलरिटी होंगी? नहीं, पृष्ठभूमि तो पंजाब की रहेगी, तो वहाँ की जो खुशबू है और वहाँ का जो फीलिंग है वो तो किधर भी बनाओ पिक्चर, कोई भी सब्जेक्ट आने दो, वो फील तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है. पंजाब को तो छोड़ के जा नहीं सकते, पंजाब को तो छोड़ के बाहर निकल नहीं सकते ना. यकीन आप नहीं कर सकते, लेकिन सरदार की कहानी कुछ अलग है. उनका जो है ना वो एक मुद्दा अलग था, ये अलग है. यहाँ पर क्या है, मेले में जो है ना उस भाई के सामने बहन का मर्डर हो जाता है, तो मर्डर की रेंज लेने के लिए बहन ही उसको बोलती है मैं जो है ना इसका खून मैं अपने हाथ से करूँगी, लेकिन वो खून करने के चक्कर में उससे प्यार कर बैठी. और घर वाले जो बोलते हैं कि भाई तुम या तो जो अपने कसम खाई थी वो कहाँ गई तुम्हारी, तो इस
पैटर्न में ये लोग लेके ले जा रहे हैं। फिल्म फ्लोर पे शायद नेक्स्ट मंथ में हम शूट पे चले जाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? नहीं कुछ नहीं, जो इन्होंने बताया वही। थैंक यू सो मच। पैर मेले था। This is just a सर क्या कहना चाहेंगे बैर मेले दा? आज जो है मुहूर्त होने वाला है और सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी है यहाँ पर, सर कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? मैं अपनी तरफ से ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से, जिसका मुंबई का मैं अध्यक्ष हूँ, और कपड़ा व्यापारी एकता एसोसिएशन जो हमारी टेक्सटाइल एसोसिएशन है मुंबई की, जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, हम सबकी तरफ से उत्तम सिन्हा जी और दुर्गा सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं और मिथिला पुरोहित मिलके हम इनको बधाई, शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैर मेले दा ये जो पिक्चर नई शुरू की है उन्होंने, आज शुरू करने जा रहे हैं, इसका आज मुहूर्त है और गाना भी रिकॉर्ड हो रहा है आज, और आज उन्होंने मुहूर्त करने का प्रोग्राम बनाया, मुहूर्त कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये पिक्चर अच्छी बनाएंगे, अच्छी बनेगी और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, क्योंकि खास करके जो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पंजाबी लोगों का बहुत वासा है, उधर बहुत लोग रहते हैं, वहाँ बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ भी चलेगी और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी पिक्चर ही अच्छा कामयाब होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं भगवान से, वाहेगुरु से, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी चले और इनका नाम हो और ऐसी पिक्चर अच्छी बना के आगे लोगों को एंटरटेन कर सके, एंटरटेन करें। और ये क्योंकि एक माध्यम है अपने विचारों को आगे रखने का, मूवी जो है ये फिल्म का जो एंटरटेनमेंट भी होती है और जो विचार अपने हैं, अपने जो अंदर की जो आत्मा की आवाज़ होती है या जो आर्ट का टैलेंट है जो गॉड गिफ्ट होता है, ये सब में बांट सकेंगे। और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अच्छे सोशल मैसेज वाले, जिसमें हमारे को लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले दर्शकों को और उनको कोई अच्छी शिक्षा भी मिले, तो ऐसी पिक्चर आजकल बहुत बन रही हैं। तो मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसी पिक्चर आगे बनाएंगे और मैं फिर से इनको हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम करंट सिनेरियो देखें और टॉलीवुड एक फिल्म के साथ लेकर पैकमैन, हर हिंदी फिल्म भी, बॉलीवुड की फिल्म भी, कहीं ना कहीं दे टॉक अबाउट द सोशल मैसेज विच कम्स एज अ फिल्म, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के मोहरत पे? एनी सेट द साइड नाउ इट हैज टू बी, इफ यू आर डूइंग अ फिल्म इट हैज टू बी अ सोशल मैसेज विद एंटरटेनमेंट इन साइड लाइन। यस बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं वैर मेले दा मूवी की पूरी टीम जो है उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि भगवान से प्रे करती हूँ कि उनकी मूवी जो है बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ हो, अच्छी तरह से उसको अच्छा रिस्पांस मिले। और उसके बाद में जैसे आपने बोला कि सोशल मैसेज, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी मूवीज़ बन रही जिसमें सोशल मैसेजेस होते हैं और वो बहुत लोग पसंद भी करते हैं, और फिल्में जो होती है वो समाज का आईना होती है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छी बात है अगर कोई अपनी मूवीज़ में, मूवीज़ के जरिए अगर सोशल मैसेज दुनिया में देता है और उससे अगर लोगों में अवेयरनेस आती है तो इट्स वेरी गुड, और ये होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। सिर्फ दो कैमरा।